डॉक्टर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। कैसे हालचाल है? अब हालचाल दिखाने तो आपको आया हूँ मैं। आप तो बिल्कुल अच्छे हो गए। कमाल है, आप तो बिल्कुल यंग हो गए। आप बताएंगे जी। ऐसे ऐसे नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं मोहम्मद आदिल खान जी, जिनकी उम्र 68 इयर्स है और ये मुझे पहली बार दिखाने आए थे 11/1/2021 को, 11 जनवरी को आप आए थे, जिन्हें मैंने बाहर कार में जा कर के देखा था और उसके बाद ये दूसरी बार आए थे जो की डेट थी 20/1/2021, मतलब 20 जनवरी को आए थे। पहली बार 11 जनवरी को आए थे, दूसरी बार 20 जनवरी को आए थे। बाहर हमने वाकर में ही उनको देखा था कार से उतर करके और आज ये हमारे चेंबर में बैठे हैं। आज की डेट है 5 फरवरी 2021। कहने का मतलब ये है कि 11 जनवरी 2021 और आज है 5 फरवरी 2021। एक महीने पूरे होने में अभी 6-7 दिन और बाकी है और आदिल साहब इतना खुश है कि अभी बता रहे थे कि उनके मित्र जो हैं वो बोल रहे थे उनको देख करके कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बीमार हैं। हाँ भाई है वो। और आदिल साहब बहुत सारा होम्योपैथी की तारीफ और लोग क्या होम्योपैथी के लिए बोलते हैं वो खुद ही बोलना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आदिल साहब ही हमको बताएं कि लोग होम्योपैथी के बारे में क्या सोचते हैं, लोग होम्योपैथी के पास कब जाते हैं और आदिल साहब क्या चाहते हैं। जी बताइए आदिल साहब। अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ जो हैं जी, उनका एक तरीके से मैं बोलूं मिसफॉर्च्यून ये है जी जी कि उनके पास में कोई भी मरीज जी सीधा बीमार होने के बाद नहीं जाता जी जी, वो सारी पैथियों को अपना के जी और जब उनसे निराश होता है जी तब होम्योपैथ के पास जाता है जी। इसलिए होम्योपैथ की प्रैक्टिस करना एक बड़ी भारी चुनौती है। बहुत सही बात है। बड़ी भारी चुनौती है ये जी जी जी, है ना जी। दूसरा बात है कि जो मरीज आपके पास निकल के आता है जी वो कहीं बाधा दौड़ पार करके आता है जी। पहली बाधा होती है उसके परिवार के पास जी, होम्योपैथ के पास जाके क्यों अपनी बीमारी बिगाड़ रहे हो। अच्छा बिगाड़ रहे हो जी, आप परिवार वाले आने ही नहीं देते। पहला परिवार जी दौड़, हाँ उसकी बात तो मानेगा ही ना भाई, हर्डल रेस जिसको जी, 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 जी। फिर उसको बाधा होती है समाज के लोगों की, उसके मित्रों के जो बहुत हितैषी होते हैं उसके जी, जी, उनको मानता कि बहुत हितैषी आ रही है जी, ये मेरा मेरा हित बोल के बोल रहे हैं कि होम्योपैथ को दिखाने में समय गंवाना है। तीसरा होम्योपैथी के बारे में जो एक बात चली है जो सही हो या गलत हो जी, कि होम्योपैथ बहुत धीरे असर करती है जी और होम्योपैथ डॉक्टर इसलिए प्रैक्टिस बहुत आराम से करते हैं जी जी, कि उनका कहना कि फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी जी जी। तो कोई भी डॉक्टर होम्योपैथ का बोर्ड लगा लेता है जी और अपना बारी बारी शक्कर की गोलियां देता है जी, तो इसलिए उसमें टाइम खराब करना है जी। लेकिन होम्योपैथ पिछले करीब 25-30 सालों में जी बहुत बेहतर एडवांस हुई पूरे विश्व स्तर पर जी। बहुत सही बात, बहुत एडवांस हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले निग्लिजिबल थी और बड़ी तिरस्कार से देखा जाता था होम्योपैथिक डॉक्टर को। लेकिन तो उसका कारण था, पहले जो है इंस्टीट्यूशनल बेस्ड होम्योपैथ नहीं थे ना, पहले शौकिया होम्योपैथ जो केवल किताब पढ़ करके करते थे, उनको सिस्टम का नॉलेज नहीं होता था। जैसे आपके केस में ये रीढ़ के हड्डी पे दबाव आया, तो रीढ़ के हड्डी में दबाव कितना है, उसने कितना नुकसान पहुंचाया, ये वो डॉक्टर को नहीं समझता था। उसने केवल लक्षण देख लिया, ना उनको MRI देखना आता था, ना वो बीमारी की डेप्थ समझते थे, वो कुछ काम चलाओ दवाई दे दिए जिससे आराम हो जाता था। अब जो हुआ, जो आप बात कर रहे ना 20-25 साल के, तो 20-25 सालों में होम्योपैथिक साइंस में बहुत डेवलपमेंट हुआ। इसमें ग्रेजुएट कोर्स आ गया 1974 के बाद, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आ गया, MD आ गया और केसेस पे लोगों को बताया जाने लग गया। बहुत सही बात कर रहे हैं आप जी। होम्योपैथ में ये भी आया जी, होम्योपैथ में जी एलोपैथिक इन्वेस्टिगेशन की सही बातों को भी स्वीकारा। हाँ तो वो तो स्वीकार नहीं करेगा ना भाई, शरीर तो वही रहेगा ना। पहले शरीर उसकी बनावट संरचना जी वो तो सेम रहेगा, उसको स्वीकार नहीं। आप तो बड़ा शौक है होंगे जी। तो 1982 में मैं एशियन गेम्स का इंचार्ज था दिल्ली जी, में जी, जी, और मैं बीमार पड़ा तो मेरे एडिशनल डायरेक्टर जी वो डॉक्टर हनीमैन जी की किताब पढ़ और 12 उसके 12 टिश्यू रेमेडी, यस 12 दवाइयों का डिब्बा बाजार में मिलता था। बिल्कुल एनीबॉडी कैन
गेट द बॉक्स और उन्हें कहा खान क्या हो गया तुमको, सर्दी खांसी, तो उन्हें कहा ये खा लो। तो एडवांसमेंट की वजह से अब आप देखिए कि ये होने लगा है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के पास मैं गया एक बार, मेरे मित्र थे तो उनके घर मिलने के लिए गया जी। तो उनका खान साहब थोड़ी देर बैठो, उन्होंने स्कूटर बाहर निकाला, उनकी माता जी बाहर, कहाँ जा रहे हो? तो क्या माता जी को तेरा समस्या है तो होम्योपैथ के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। जी, वो डायरेक्टर मेडिकल, मेडिकल एजुकेशन, डीएमई, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो बोले मैं मदर को, मदर को यार वो टाइम दे, तो मैं मदर को दिखा कर आता हूँ। डॉक्टर ठसो जी, यहाँ पे भी काफी मेडिकल कॉलेज में हमारे आर्थोपेडिक के डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन करने के बाद मरीजों को आर्निका, सिलिशिया, कैल्केरिया फास वो दे देते हैं, बोले कि इससे जल्दी हड्डी जुड़ जाती है। कई सारे लोग हैं डॉक्टर्स, मतलब मैं अच्छे से जानता हूँ उनको, पहचानता हूँ, वो लोग मुझे बताते हैं बोले हम तो हमारे मरीज को जैसे फ्रैक्चर के लिए तो ऑपरेशन कर देते हैं, प्लास्टर चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको कैल्केरिया फास या सिलिशिया या आर्निका या रूटा हाइपेरिकम दे देते हैं, तो बोले वो जल्दी जुड़ जाता। मतलब मैं अब ये मानता हूँ जैसे एक परिवार में चार पांच भाई रहते हैं जी, और उनका झगड़ा रहता है कि मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगा जी। अब 20-25 सालों में इन भाइयों में, पेथियों में जी, मतलब दोस्ती हो, आपसी सामंजस्य दोस्ती हो गई कि नहीं? बिल्कुल सही है, ये भाई भी ठीक है यार, थोड़ा ठीक है ये भाई, नहीं ये भाई ठीक है, कैल्केरिया फास भी दे सकता हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बात है। और चौथा मतलब इस तरीके की बोलता हूँ मैं जी, आदमी जब सब तो निराश हो जाता है जी, पूरे संसार में भारतीय संस्कृति में कि यार ईश्वर ही बचाएगा मेरे को जी, कई लोग ऐसे कि ईश्वर ही बचाएगा, कोई रास्ता नहीं है, सारे होप खत्म हो गए, तो इसके अलावा अपन भी यही करेंगे अगर ईश्वर न करे। बिल्कुल सही, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अब ये हो गया कि आदमी ईश्वर के जाने के पहले अच्छे होम्योपैथ को ढूंढ के उसके पास जाता है जी, तो होम्योपैथ का नंबर ईश्वर का ठीक पहले। तो दोस्तों आप आदिल जी को सुन रहे थे, भाई ये बहुत अच्छे लेखक है, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, तो इनको अच्छा अपने सब्जेक्ट पे बड़ा नॉलेज है और कमांड भी है, उनके शैली पे भी है, उनको भाषा पे भी है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मुझे बता रहे थे कि ये हर्डल्स है और ऐसा होम्योपैथी होता है, तो मुझे लगा सबको पता चलना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो आदिल जी अब आप खूब अच्छा महसूस कर रहे हैं, अब आप परेशान, आप कुछ दवाई परिवर्तन करेंगे? हाँ सब, तो आप दौड़ लेने लग जाएंगे, आपकी दवाई कुछ 2-3 बड़ी कड़वी है, लेकिन दवा तो कड़वी ही होती है ना, वही तो बात है, इसीलिए तो मीठी गोलियों में दी जाती है। ये देर तक जागती है जी, और दिन में बिल्कुल वो अलार्म लगा दिया इनने कि 8 बजे की दवाई 8 बजे पीना है।